देखिए, आज हिंदी के टॉपिक में पढ़ेंगे हम उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग कहते किसे हैं वो पढ़ने वाले हैं, और उपसर्ग होता क्या है, ठीक है। तो उपसर्ग के बारे में हिंदी व्याकरण में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं उपसर्ग की। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे उपसर्ग कहते किसे हैं, देखिए सबसे पहले तो मेन चीज़ आप एक चीज़ याद रखें। देखिए, हिंदी भाषा में यौगिक शब्द के मुख्य आधार पर निम्न भाग है। पहले तो एक चीज़ रखें आप याद, जो आपकी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में यौगिक, ठीक है, हिंदी भाषा में यौगिक शब्द रचना के मुख्य आधार हैं, ठीक है, यौगिक शब्द रचना के, जिसमें आपका एक उपसर्ग भी आता है, ठीक है, शब्द रचना के मुख्य आधार हैं, ठीक है, मुख्य निम्न आधार हैं। अब वो आधार कौन कौन से हैं जिसमें आपका एक उपसर्ग भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे, देखिए पहले तो कहूँ इसमें एक चीज़ आप याद रखें, ये तो आता है सब, शब्द होता क्या, देखिए एक चीज़ आती है इसमें शब्द रचना, ठीक है, शब्द रचना। तो शब्द होता क्या, देखिए शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को, ठीक है, कैसे कहते हैं, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। एक चीज आप इसमें ये भी नोट कर लें, ठीक है। अब बात आ रही थी, मैं कह रहा था आपसे, यानी कि शब्द जो, अब इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है इसमें आपका उपसर्ग, ठीक है, पहले क्या आता है आपका उपसर्ग, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है इसमें आपका प्रत्यय, ठीक है, दूसरे पे क्या आता है आपका प्रत्यय। तीसरे नंबर पर आता है इसमें आपका संधि, ठीक है, संधि। और चौथे पर आता है इसमें आपका समास, ठीक है, क्या आता है, समास। तो हम पहले पढ़ेंगे आज आपका उपसर्ग के बारे में, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया। अब बात कर रहे थे हम उपसर्ग की, देखिए उपसर्ग कहते किसे हैं, मैं आपसे यही कह रहा था। देखिए जो शब्द होते हैं रूढ़ और यौगिक रूढ़, ठीक है। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, इसमें एक चीज और नोट कर लें आप अभी, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। अब उसकी बात करें, देखिए यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, ठीक है, मैंने बताई थी यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, कौन कौन सी आपकी, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से, ठीक है। अब उसके आधार तो चार है, लेकिन हम बात करेंगे चारों आधार की, ठीक है। तो पहले बात करने वाले हैं हम उपसर्ग की, ठीक है। तो उपसर्ग कहते किसे हैं, देखिए तो हम क्या बात कर रहे थे आज पहले में, उपसर्ग की, ठीक है, उपसर्ग कहते किसे हैं। देखिए उपसर्ग की अगर बात करूं, उपसर्ग दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। उपसर्ग क्या हुआ है, दो शब्दों के योग से, ठीक है, दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है, ठीक है, क्या हुआ आपका, उपसर्ग। तो इसे क्या बोलेंगे हम, उपसर्ग, ठीक है, दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। जैसे मैं कहूं आपका, देखिए उप का अर्थ होता है, अगर बात करूं इसमें तो उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है आपका, उप का अर्थ होता है समीप, क्या होता है, समीप, ठीक है, उप का अर्थ क्या होता है आपका, समीप। और सर्ग का अर्थ क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं आपका, सर्ग का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग। तो सर्ग का अर्थ क्या होता है, अगर सर्ग के अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है सृष्टि करना, ठीक है, क्या होता है, सृष्टि करना, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया सृष्टि करना। अब देखिए इसका उपसर्ग का प्रयोग हम कहां करते हैं, शुरू में करते हैं, कहां पर करते हैं, यानी कि शुरू में करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग हम शब्द के शुरू में करते हैं, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग
का प्रयोग, ठीक है, कहाँ पर करते हैं, शुरू में करते हैं, ठीक है। देखिए उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल के शब्द में, यानी कि उपसर्ग को किसी, कहूँ मैं आपसे, उपसर्ग को किसी सार्थक मूल शब्द के शुरू में, ठीक है, शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है, ठीक है, काय में जोड़ा जाता है, शुरू में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर जोड़ा जाता है, शुरू में जोड़ा जाता है, और इससे जो विकारी शब्दांश है वो शब्द पूरा छोड़कर उसके अर्थ में भाग में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, उसके भाग में परिवर्तन कर देता है। अब जैसे मैं कहूँ आपसे उपसर्ग में, देखिए जैसे मैंने कहा आपसे, एक शब्द ले लेते हैं प्रहार, ठीक है, देखिए हार शब्द है ये, अब हार तो शब्द है, अगर इसके शब्द में शुरू में हम क्या जोड़ दें, प्र उपसर्ग जोड़ दें, क्या हो जाएगा आपका, ये प्रहार हो जाएगा, ठीक है, इसमें उपसर्ग क्या जोड़ा आपका, प्र, ठीक है। अब यहां पे शुरू में उपसर्ग क्या जोड़ दिया हमने, प्र, तो ये क्या हो गया आपका, प्रहार, ठीक है। तो इसीलिए इसका अर्थ क्या होगा, देखिए अब इसका अर्थ की अगर बात करूं तो इसका अर्थ होगा आपका प्रहार का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि मारना, प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा, अगर अर्थ की बात करूं, प्रहार का अर्थ होता है आपका मारना, ठीक है, तो अर्थ परिवर्तन हो गया। तो इसी प्रकार जो उपसर्ग शुरू में जुड़ जाते हैं वो उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, देखिए उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, उपसर्ग आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करें, देखिए एक होता है इसमें आपका संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, पहला होता है आपका संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग जिसे बोलते हैं तत्सम, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग वो क्या होते हैं आपके, तत्सम, ठीक है, तत्सम हो गए। दूसरे होते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग, दूसरे क्या होते हैं आपके, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, दूसरे हो गए आपके हिंदी के उपसर्ग जिसे बोलते हैं हम तद्भव, ठीक है, क्या बोलते हैं, तद्भव, ठीक है, तो हिंदी के उपसर्ग हो गए। तीसरा होता है इसमें आपका आगत उपसर्ग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, आगत उपसर्ग, ये इनके जो और भाषाओं से आए हुए हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें, आगत उपसर्ग, ठीक है, जो और भाषाओं से आए हुए हैं, ठीक है। जैसे इसमें बात करूं, देखिए एक तो है इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका, देखिए उर्दू और फारसी के उपसर्ग, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, क्या हो जाएंगे आपका, उर्दू या कहूं आपसे आगत उपसर्ग, क्या कहूं आपसे, आगत उपसर्ग, ठीक है, इन्हें इसमें होते हैं आपके विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द, ठीक है, विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके, आगत उपसर्ग। देखिए इसमें आपके कौन कौन सी भाषा आ जाएंगी, जैसे मैं कहूँ आपसे, इसमें आ जाएगा आपका उर्दू और फारसी हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका, उर्दू फारसी हो गया। उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं वो कितने हैं, अगर इनकी बात करूँ तो ये लगभग 19 हैं, कितने हैं संख्या इनकी, 19 है, ठीक है, कितनी है, 19 है। दूसरा आता है अंग्रेजी के उपसर्ग इसमें, ठीक है, आगत उसमें अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है, क्या आएगा आपका, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्ग आ गए। तीसरे आए हैं इसमें आपके उपसर्ग के समान संस्कृत के अपव्यय, ठीक है, उपसर्ग के समान प्रयुक्त संस्कृत के अपव्यय, ठीक है, जो उसके समान होते हैं, जिसे बोलता हूं मैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द में, ठीक है, तो आपको वो इसी में आ जाएंगे, वो मैं आपको करा दूंगा अगर, ठीक है, तो तीन प्रकार के हो गए हमारे। अब देखिए अगर मैं बात करूं आपसे तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग की अगर बात करूं तो
तो पहले हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? देखिए संस्कृत के उपसर्ग होता है आपका, जैसे हो गया आपका अति हो गया, क्या हो गया आपका अति हो गया, ठीक है। तो अति का अर्थ जो होता है, देखिए यहां पर मैं उपसर्ग की बात कर रहा हूं, इधर आपसे क्या कर रहा हूं उपसर्ग, और इधर इसके अर्थ की बात करूंगा, ठीक है। तो अति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका अधिक, क्या होता है अधिक, ठीक है। अगर शब्द की बात करूं तो शब्द क्या बनेगा इसका, देखिए तो शब्द बन जाएगा इसका आपका, जैसे मैं कहूं आपका अत्यधिक, ठीक है, तो अति लगा तो शुरू में क्या हो जाएगा आपका अत्यधिक, ठीक है। उसी प्रकार संस्कृत का एक उपसर्ग आता है अधि, उसके बाद क्या आता है आपका अधि। अधि का अर्थ होता है आपका ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है, ऊपर या आपका श्रेष्ठ, ठीक है, क्या होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे मैं कहूं अधि, तो जैसे अधिकार क्या बन जाएगा आपका अधिकार, ठीक है, तो इसमें क्या लग गया आपका अधि, उपसर्ग लग गया, क्या बन जाएगा अधिकार। उसी प्रकार इसमें आ जाएगा, जैसे कहूं आपसे अनु, उपसर्ग क्या आपका अनु, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका अनु का अर्थ क्या होता है आपका पीछे या आपका समान, ठीक है, पीछे या समान, ठीक है। शब्द क्या बन जाएगा, जैसे कहूं आपका अनुसार, ठीक है, क्या बन जाएगा अनुसार, ठीक है, तो अनुसार शब्द हो गया। उसी प्रकार आगे बात करूं, जैसे हो जाएगा आपका उपसर्ग अप, तो अप का अर्थ होता है आपका बुरा या हीन, क्या होता है बुरा या हीन, ठीक है। शब्द की बात करूं, जैसे कहूं मैं आपसे अपमान, क्या कहूं आपसे अपमान, ठीक है, तो शब्द बन जाएगा। उसके बाद आता है इसमें उपसर्ग आपका अभी, क्या आता है अभी। अगर शब्द की, अगर इसके अर्थ की बात करूं तो अभी का अर्थ होता है आपका सामने, ठीक है, सामने या चारों ओर, चारों ओर, या होता है इसका अर्थ होता है पास, ठीक है, क्या होता है पास, ये इसके अर्थ होते हैं। शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं उससे अभिमान, ठीक है, क्या कहूं आपसे अभिमान, ठीक है, तो शब्द हो गया। उसके बाद आता है इसमें आपका उपसर्ग अब, ठीक है, क्या आता है अब। अब का अर्थ क्या होता है आपका हीन या नीच, ठीक है, क्या होता है हीन या नीच, ठीक है। शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे, देखिए अवसर क्या लग जाएगा अवगुण, ठीक है, गुण में क्या लग गया आपका अब उपसर्ग लग गया, तो क्या हो गया अवगुण। उसके बाद आता है इसमें उपसर्ग आपका आ, ठीक है, तो आ का अर्थ होता है ऊंचा श्रेष्ठ, आ का अर्थ होता है तक, क्या होता है तक या समेत, ठीक है, तक या समेत, ठीक है। शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे आजीवन, क्या कहूं आपसे आजीवन, ठीक है, तो क्या हो गया ये उपसर्ग इसमें क्या लग गया आपका आ लग गया। उसके बाद आता है उपसर्ग इसमें आपका उत, क्या आता है उत, उत का अर्थ होता है आपका ऊंचा श्रेष्ठ ऊपर, क्या होता है ऊंचा या श्रेष्ठ या ऊंचा श्रेष्ठ या ऊपर, ठीक है, ऊंचा श्रेष्ठ या ऊपर। अगर शब्द की बात करूं, उसमें शब्द बन जाएगा आपका, देखिए जैसे मैं कहूं आपसे उत्कर्ष, ठीक है, क्या हो गया उत्कर्ष, ठीक है, या आपका उत्तम हो गया, ठीक है, तो उत्तम भी आपका क्या हो जाएगा उत्तम हो गया, ठीक है, तो ये भी आपका क्या लग गया इसमें उत, इसका उपसर्ग लग गया, ठीक है। चलिए और आता है इसमें उपसर्ग आपका उप, क्या आता है उप। उप का अर्थ होता है आपका निकट या सदृश्य, ठीक है, निकट या सदृश्य, ठीक है, निकट या सदृश्य, ठीक है, निकट का अर्थ होता है। अगर बात करूं शब्द की, जैसे मैं कहूं आपका उपदेश, क्या कहूं आपसे उपदेश, तो इसमें क्या लगा आपका उप प्रत्यय लग गया, सॉरी उप उपसर्ग लग गया। उसके बाद बात करूं आपसे आता है दुर, क्या आता है दुर। दुर का अर्थ होता है आपका बुरा या कठिन, ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका बुरा या कठिन, ठीक है। शब्द की बात करूं तो शब्द हो जाएगा इसमें, जैसे मैं कहूं आपसे दुर्गम, क्या कहूं आपसे दुर्गम, ठीक है, जैसे दुर्जन या दुर्गम, ठीक है, या दुर्दशा दुराचार। उसके बाद इसमें उपसर्ग आता है आपसा दुष, क्या आता है दुष। दुष का अर्थ होता है आपका बुरा या कठिन, ठीक है, इसका अर्थ भी क्या होता है बुरा या कठिन, ठीक है। शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे दुष्कार, ठीक है, क्या कहूं आपसे दुष्कार, तो इसमें क्या उपसर्ग लग गया आपका दुष उपसर्ग लग गया, ठीक है। आगे बात करूं निर,
ठीक है। उपसर्ग क्या आता है आपका, निर। तो निर का अर्थ होता है आपका बिना या बाहर, ठीक है, बिना या बाहर या निषेध, ठीक है, बिना या बाहर या आपका निषेध, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है। अब इसके शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपका निर्जन, क्या कहूं आपसे, निर्जन, या कहूं आपसे मैं निर्गुण, ठीक है, क्या कहूं आपसे, निर्गुण, तो ये इसके उपसर्ग लग गए इसमें निर, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका निस, क्या आता है, निस उपसर्ग, ठीक है, इसका अर्थ होता है आपका रहित या पूरा विपरीत, ठीक है, क्या अर्थ होता है, रहित या पूरा या विपरीत, ठीक है, क्या होता है, ये इसके अर्थ होते हैं। अगर शब्द की बात करूं तो शब्द बनेगा, जैसे मैं कहूं आपसे निस्तार, क्या कहूं आपसे, निस्तार, ठीक है, तो यहां पर क्या लग गया, निस आपका, या निश्चल कहूं आपसे, तो यहां पर निस आपका उपसर्ग लग गया, ठीक है। उसके बाद बात आती है नी की, ठीक है, तो नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है आपका, निषेध, क्या होता है, निषेध, ठीक है, या निषेध या नीचे, या नीचे। अगर शब्द की बात करूं तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, निपात, क्या बन जाएगा, निपात, ठीक है, या नियोग, तो ये इसके शब्द बन जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार उपसर्ग आगे बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, परा, तो परा का अर्थ क्या होता है, उल्टा या पीछे, ठीक है, उल्टा या पीछे। अगर शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे पराजय, ठीक है, तो इसमें परा उपसर्ग लग गया जय में। उसी प्रकार आगे बात करूं आपका उपसर्ग क्या हो गया, परी, तो परी का अर्थ होता है आपका आसपास, चारों तरफ, क्या होता है, आस पास या चारों तरफ, ठीक है, या चारों तरफ। अगर शब्द की बात करूं, शब्द कैसे बनाएंगे, जैसे मैं कहूं आपसे परिजन, क्या कहूं आपसे, परिजन, या कहूं आपसे परिमाण, ठीक है, क्या कहूं आपसे, परिमाण, तो ये इसके शब्द बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा आता है आपका प्रय उपसर्ग। देखिए प्रय उपसर्ग की अगर बात करूं तो इसका अर्थ होता है अधिक या आगे, ठीक है, अधिक या आगे। अगर शब्द की बात करूं, जैसे हो गया आपका प्रख्यात, ठीक है, क्या हो गया, प्रख्यात, ठीक है, तो ये शब्द हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्रति, ठीक है, प्रति, प्रति का अर्थ होता है आपका उल्टा, ठीक है, उल्टा या सामने, ठीक है। शब्द क्या बन जाएगा इसका, जैसे मैं कहूं आपसे प्रतिकूल, क्या कहूं, प्रतिकूल, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग आता है इसमें आपका बी, ठीक है, जैसे इसका अर्थ होता है भिन्न या विशेष, ठीक है, भिन्न या विशेष। शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे विदेश, ठीक है, तो विदेश में क्या लगा आपका, देश में बी लगा दिया, तो उपसर्ग तो विदेश हो गया। जिसमें उपसर्ग होता है आ गया आपका सम, तो सम का अर्थ होता है आपका उत्तम, साथ, पूर्ण, ठीक है, क्या होता है, उत्तम या साथ या पूर्ण, ठीक है। शब्द की बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे संगम या संस्कार, ठीक है, संगम या आपका संस्कार, ठीक है, ये इसके शब्द हो गए जिस हम जो इससे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं सु उपसर्ग की, ठीक है, ये भी संस्कृत के ही उपसर्ग चल रहे हैं, ठीक है। सु, सु का अर्थ होता है आपका अच्छा, ठीक है, सु का अर्थ क्या होता है आपका अच्छा। शब्द की बात कहूं, जैसे मैं कहूं आपसे सुजन, ठीक है, सुजन या सुगम, ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी उपसर्ग कराए मैंने संस्कृत के हो गए। उसके बाद बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं आपके, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। अब हिंदी के उपसर्ग के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी के उपसर्ग क्या क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं आपके, जैसे हो गया आपका, देखिए ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, तो अर्थ सब शब्द क्या बन जाएगा इसका, अभाव, ठीक है। उसी प्रकार आपका अन हो गया, तो अन से शब्द क्या बन जाएगा आपका, अनवन, क्या बन जाएगा, अनवन, ठीक है। उसी प्रकार आगे कै हो गया, तो कैसे क्या शब्द बन जाएगा आपका, कपूत, क्या बन जाएगा, कपूत, ठीक है। उसी प्रकार आगे आपका उपसर्ग क्या हो गया, कु हो गया, तो इससे क्या शब्द बन जाएगा आपका, कुचाल, क्या बन जाएगा, कुचाल। उसी प्रकार आपका आगे इसमें दू हो गया, तो दू से क्या बन जाएगा आपका, दुबला, क्या बन जाएगा आपका, दुबला, ठीक है। तो ये तो आपके उपसर्ग हो गए और ये आपके
शब्द बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं इसमें आपका क्या आता है, नी, ठीक है, नी उपसर्ग से क्या बन जाएगा आपका, जैसे मैं कहूं आपसे नीडर, ठीक है, उसी प्रकार इसमें कहूं आपका ओ या अब, ठीक है, ओ उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग से क्या बन जाएगा आपका ओगुन, ठीक है, क्या बन जाएगा ओगुन, ठीक है। उसी प्रकार आगे बात करूं भर, ठीक है, भर उपसर्ग से क्या बन जाएगा आपका भर पेट, भर पेट में क्या लगा दिया, भर लगा दिया, क्या हो गया भर पेट भरसक, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका सु उपसर्ग, तो सु जैसे कहूं आपका सुजान, ठीक है, क्या कहूं सुजान या सुडोल हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें आपका अध आ गया, ठीक है, अध उपसर्ग हो गया, इसमें शब्द क्या बन जाएगा आपका, जैसे हो गया अधपका, ठीक है, अधपका हो गया या अध का अधमरा हो गया, जैसे कहूं आपसे अधमरा, ठीक है, तो ये इसके शब्द बन जाएंगे। उसी प्रकार इसमें आता है आपका आगे उन उपसर्ग, हिंदी का क्या आता है उन, जैसे कहूं आपसे उनसठ, ठीक है, सठ में क्या लगा दिया उनसठ, तो उनसठ हो गया, ठीक है, जैसे उनतीस हो गया, क्या हो गया उनतीस हो गया, तो ये क्या लग गया इसमें उपसर्ग आपका उन लग गया। उसके बाद आता है आपका पर, तो पर देखिए पर में जैसे क्या शब्द बनेगा आपका परलोक, ठीक है, परलोक हो गया या परसर्ग हो गया, क्या हो गया परसर्ग हो गया, या कहूँ आपसे परहित हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे शब्द इसमें बन जाएंगे। अब उसके बाद उपसर्ग आता है आपका बिन, ठीक है, तो बिन से क्या बनेगा, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे बिन बादल, ठीक है, बादल में क्या लगा दिया बिन लगा दिया, तो आपका क्या हो गया शब्द बिन बादल, ठीक है, जैसे कहूँ बिन जाने, बिन जाने, तो यहाँ पर बिन लगाया जाने में, तो क्या हो गया बिन जाने शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके अरबी फारसी के उपसर्ग, ठीक है, देखिए उसके बाद क्या आते हैं आपके अरबी फारसी के उपसर्ग, ठीक है, अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अब इसमें बात कर लेते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। देखिए अगर उपसर्ग की बात करूं, जैसे आपका क्या हो गया अल हो गया, ठीक है, जैसे अल का शब्द का शब्द क्या बनेगा इसका आपका अलबत्ता, ठीक है, अलबत्ता हो गया या आपका अलगरज हो गया, ठीक है, इसके शब्द बन जाएंगे। इसमें आता है दूसरा आपका कम, ठीक है, क्या आता है कम, जैसे मैं कहूँ आपसे कमजोर, ठीक है, क्या कहूँ आपसे कमजोर, ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या आता है आपका अगला खुश, ठीक है, खुश उपसर्ग में क्या लगाएंगे खुश नसीब या खुशबू, ठीक है, क्या हूँ आपसे खुशबू, ठीक है, तो क्या हो गया इसमें खो लग गया, खुश लग गया उपसर्ग। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ इसमें आपका गैर हो गया, ठीक है, तो काबिल गैर का शब्द कैसे बनेगा, जैसे गैर हाजिर, ठीक है, गैर हाजिर, तो गैर हाजिर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें आता है आपका दर, क्या आता है दर, तो दर काय मिलेगा शब्द में क्या बनाएंगे, जैसे कहूँ मैं आपसे दर असल, दर असल हो गया। उसी प्रकार इसमें आता है अगला उपसर्ग ना, तो ना का शब्द क्या बनेगा आपका नापसंद, ठीक है, क्या बनेगा नापसंद। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे फिल, ठीक है, जैसे फिल उपसर्ग हो गया, तो फिल से शब्द क्या बनेगा आपका फिलहाल, ठीक है, क्या बनेगा फिलहाल। एक उपसर्ग है इसमें आपका फी, ठीक है, जैसे फी की बात करूं तो फी से शब्द क्या बन जाएगा आपका फी आदमी, ठीक है, फी आदमी, तो ये हो गया, तो इसमें ये हो गया। उसके बाद इसमें आता है उपसर्ग आपका बै, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे बै नाम, ठीक है, बै नाम हो गया, या कहूँ आपसे बगैर, ठीक है। अगला आता है इसमें उपसर्ग आपका बा, तो बा से क्या बनेगा बाकायदा, ठीक है। आगे उपसर्ग आता है इसमें आपका बद, तो बद से क्या बनेगा आपका बदमाश, ठीक है, बदमाश शब्द बन जाएगा बद से। उसी प्रकार इसमें आएगा आपका उपसर्ग आगे बर, तो बर से शब्द क्या बन जाएगा आपका बर्दाश्त या बर्खास्त, ठीक है, कहूँ आपसे बर्खास्त, ठीक है, तो ये हो गया। उसी प्रकार आगे आता है इसमें उपसर्ग आपका बे, तो बे से क्या बन जाएगा आपका बेचारा या बेईमान, ठीक है, बेचारा या बेईमान या बेवकूफ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बिल, तो बिल से क्या बन जाएगा आपका बिल आखिर या बिल्कुल, ठीक है, क्या बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बिला, क्या आता है बिला, तो बिला से क्या बन जाएगा आपका
बिल बजा, ठीक है, बिला बजा, बिला बजा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका ला उपसर्ग, ठीक है, तो ला से क्या बन जाएगा आपका लापरवाह या लाचार, ठीक है, लाचार या आपका लापरवाह। उसके बाद आता है आपका सर उपसर्ग, ठीक है, सर से क्या बन जाएगा, जैसे मैं कहूँ आपसे सरदार या सरताज, ठीक है, सर या सरदार या सरदार या सरकार, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हम, तो हम से क्या बन जाएगा आपका हम रहा, ठीक है, हम रहा हो गया या हमदम हो गया, ठीक है, ये शब्द बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग आता है इसमें आपका हम, ठीक है, तो इससे हर से क्या बन जाएगा आपका हरदम, ठीक है, क्या बन जाएगा हरदम हो गया या हर बार हो गया, ठीक है, ये शब्द इससे बन जाएंगे, तो इसमें उपसर्ग क्या लगा आपका हर लगा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है अंग्रेजी के उपसर्ग की, ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं आपके अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग की जैसे मैं कहूँ आपसे सब, ठीक है, तो सब से शब्द क्या बन जाएगा आपका सब जज, ठीक है, सब जज या सब कमेटी, ठीक है, ये शब्द होते हैं। उसके बाद आता है आपका डिप्टी, ठीक है, डिप्टी उपसर्ग, तो इससे क्या बन जाएगा डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, जिसमें भी आपका डिप्टी लगता हो, जैसे डिप्टी, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है, तो ये शब्द उसमें लग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका वो, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें 22, ठीक है, क्या आता है 22, ये अंग्रेजी के हैं आपके उपसर्ग, ठीक है, जैसे कहूँ वायस राय, क्या कहूँ वायस राय, 22 चांसलर, 22 प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें आपका जनरल, ठीक है, क्या आता है जनरल, ठीक है, तो जैसे जनरल का क्या बन जाएगा जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, जनरल मैनेजर हो या जनरल सेक्रेटरी हो, ठीक है, जनरल मैनेजर या जनरल सेक्रेटरी, तो ये शब्द हो गए। उसके बाद आता है आपका चीफ, क्या आता है चीफ, तो चीफ का क्या हो जाएगा आपका जब चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हो गया या आपका चीफ सेक्रेटरी हो गया, तो जिसके आगे लग जाएगा तो वहां पर क्या होगा आपका अंग्रेजी का उपसर्ग होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेड, ठीक है, जैसे आपका हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया, हेड मास्टर हो गया या हेड क्लर्क हो गया, ठीक है, तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। उसके बाद बात कर रहा था मैं आपसे, मैंने कहा था उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं कुछ, ठीक है, तो उसके बारे में बात करूं। देखिए उपसर्ग के समान ही है वो, उपसर्ग उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं कुछ, ठीक है, तो आपको याद रखना है उनको भी, संस्कृत के अव्यय हैं कुछ शब्द, ठीक है, जो उपसर्ग में प्रयुक्त होते हैं। एक है इसमें आपका अध है, ठीक है, अध है, एक है इसमें आपका अंत है, ठीक है, अंत है, और एक इसमें आपका ए है, और एक है इसमें आपका चिर है, और है इसमें आपका पुनर है, ठीक है, क्या है पुनर है, बाहिर है, क्या है बाहिर है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सत है जो आपके इसमें आते हैं, जैसे आपका पूरा हो गया और आपका सम हो गया, क्या हो गया सम हो गया, और आपका सह हो गया, ठीक है, तो ये कुछ उपसर्ग हैं जो आपके इसमें आते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान रखिए जो इसमें पूछ लेता है, उपसर्ग संस्कृत के समान होने वाले ये अपव्यय के शब्द हैं जो इसमें पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ, कल का टॉपिक रहेगा हमारा प्रत्यय का, और चैनल को अभी तक लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।